डांस में दिखाई दे रही है। राजेश पालविया एसएनओ सुपरस्टार मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले टाटा केमिकल की एक खबर, 2% से ज्यादा चाइना में सोडा ऐश की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, दाम एक महीने की ऊंचाई पर आ गए हैं, ये एक पॉजिटिव होगा टाटा केमिकल्स के लिए, जेएचसीएल के लिए, तो ये स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। एसएनओ सुपरस्टार आपका क्या है? तो हर्षा जी मेरा एफएनओ सुपरस्टार में स्टॉक एनटीपीसी ही है। स्टॉक में देखें करेक्शन के बाद अब जिस तरीके से रिकवरी बनी, तो पिछले दो दिन का जो एक करेक्शन था उसको तो आज ये रिगेन करते हुए दिख रहा है। इवन इस रिकवरी के फेज में स्टॉक अपने मार्च के स्विंग हाई को भी अब वापस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप है डेरिवेटिव डेटा में। हमें लगता है एनटीपीसी यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, 368 से लेके 372 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 356 के आसपास। ओके, आपका एनटीपीसी फ्यूचर्स 367 पे आपका एक बाय कॉल। चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? ग्रीन जी एनएमडीसी पे मेरा ध्यान है। एनएमडीसी ने अभी कुछ दिन पहले 100 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया था, उसके बाद ओके एलएनटी और 3806 पे सुबह सुबह पैनल की कॉल्स में शुमार था। ये आज सुबह ये कॉल थी रचना जी की, बाय था चार पांच दिन की सॉफ्टनेस के बाद। राजेश पालवी जी आपकी कॉल क्या रहेगी आज के लिए? तो वीरेन जी लॉरस लैब पे यहाँ पे फोकस में है स्टॉक। स्टॉक में देखे तो आज काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे, और स्टॉक में जो अभी पिछले 10-15 मिनट में जो मूव बना है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, 475-480 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 459 के आसपास। लॉरस लैब में एक अपॉर्चुनिटी और इनफैक्ट ट्रेड निलेश ने भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। राजेश सातपुते जी बताइए आपका ट्रेड ले लेते हैं। राजेश पालविया पेरालाइट पर क्या स्टांस रहेगा, कैरी करें कल का ट्रेड? क्लियर आउट परफॉर्मेंस है इफ यू कंपेयर विद द एशियन पैक्ट, और यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड कैरी किया जा सकता है पीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 3015 के आसपास, और अपसाइड में जो टारगेट हमें लगता है आ सकता है वो करीब 3100 की तरफ ये स्टॉक अब बढ़ते हुए दिखाई। ओके 3100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है पेरालाइट। अच्छा वैसे पीआई इंडस्ट्री भी मेरी नजर उस पर है, कुछ समय से करीब 2% के गेन्स के साथ आज क्लोज दिखाने की तैयारी में है। शिल्पा जी यहाँ पर कोई ट्रेड का मौका है क्या?